नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठान में। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रही होगी और जो राजस्व लेखपाल का आपका पेपर है उस कड़ी में हमने सबसे पहली जो सीरीज शुरू की है वो ग्रामीण समाज एवं विकास की है। आशा करता हूं कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। उस पहले अध्याय में जो हम लोग ग्रामीण विकास भारतीय संदर्भ में हम लोग पढ़ रहे थे, उस कड़ी में अगले भाग की ओर हम लोग बढ़ेंगे। मतलब पहले अध्याय का जो भाग हम लोगों ने पढ़ लिया था, अब उसके आगे चल रहे हैं। और आज की जो हमारी क्लास है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो आज़ादी के बाद कुछ किसान आंदोलन जो हैं, वो कौन कौन से किसान आंदोलन हुए उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही ये भी बात करेंगे कि जब अंग्रेज यहाँ पर थे तो उन्होंने किन किन व्यवस्थाओं को यहाँ पर रखा हुआ था जिससे भारतीय किसानों का शोषण हुआ। आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि आपके पेपर में किसान आंदोलन तो पूछा ही जाए। जब आपकी आधुनिक भारत के इतिहास की कक्षा चलेगी, जब उसका रिविजन क्लास होगा, बहुत जल्द आपको वो सब मिलेगा, मैंने बताया था, तो वहां पर आपको किसान आंदोलन की क्लास प्रॉपर वे में मिलेगी। वो जरूर रट डालिएगा और वो वहां से याद कर लीजिएगा और यहां से आजादी के बाद का किसान आंदोलन, संभावना है कि एक प्रश्न वहां से और एक प्रश्न यहां से दोनों आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए साथियों, क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और ग्रामीण विकास के पहले अध्याय की दूसरी कड़ी में हम लोग आगे चलते हैं। और आज की जो हमारी क्लास है, आज जो हम लोग जिसपे बात करने वाले हैं वो है सामंतवाद। तो देखिए, आज हम लोग बात करेंगे किस पे, सामंतवाद। ये है, आप लोगों ने कहा था कि सर वो वाला इंक दिख नहीं रहा था, तो ये बताइएगा कि आप लोगों को ये दिख रहा है। ये अगर अच्छा चल रहा होगा तो बताइएगा, नहीं तो दूसरा प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं सामंतवाद। तो पहले समझते हैं सामंतवाद क्या है। देखिए, ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि भूमि के बड़े हिस्से पर नियंत्रण करके उस पर कब्जा करना, कब्जा बनाना सामंतवाद कहलाता है। सामंतवादी परिवार काश्तकार को अपनी भूमि पट्टे पर देकर लाभ प्राप्त करते हैं। काश्तकार सामान्यतः पारिश्रमिक श्रम के माध्यम से खेती बाड़ी करके जीवन का गुजारा करते हैं। अब देखिए, समझिए, मैं भी ये शायद आपको कम समझ में आया होगा, यहां समझाता हूं। देखिए, सामंतवाद की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मध्यकालीन इतिहास। अभी थोड़ा सा उतना अच्छे से एक्सपर्ट अभी नहीं हुए हैं, इसलिए मैनेज करिएगा। तो मध्यकालीन इतिहास में एक शब्द आया था जिसको कहते हैं सामंत। जो सामंत शब्द है, फ्यूडरल सिस्टम आपने सुना होगा, ये कहां से आया? जैसे देखिए, यहां पर है राजा, ठीक है, यहां पर है राजा, और आप जानते हैं कि राजा राज्य की समस्त संपत्तियों का स्वामी होता था, आपको ये चीज पता है। तो मतलब जो भूमि है, जो लैंड है, जो भूमि है, उसका भी स्वामी कौन है? उसका भी स्वामी राजा होगा, नो डाउट, सामान्य सी बात है कि भूमि का स्वामी भी राजा ही है। और यहां कौन है राजा के बाद, यहां कौन है भाई? यहां है प्रजा। आप जानते हैं कि राजा कर आरोपित करते थे, जैसे आप पढ़ेंगे पहले कर की दर लगभग होती थी 1/6 मान के चलता हूं, तो राजा को जमीन की से जो आय प्राप्त होगी, जो कर प्राप्त होगा, जो कर राजस्व प्राप्त होगा, वो जमीन की कुल उपज का 1/6 प्राप्त होगा। तो क्या राजा लेने जाएगा क्या प्रजा से? ये जो कर है ये कौन लेने जाएगा? तो राजा और प्रजा के मध्य कर का संग्रह करने के लिए, उसके कलेक्शन के लिए, संग्रहण के लिए राजा ने एक मजबूत आदमी को, यूं समझिएगा, प्रैक्टिकली समझा रहा, जो गांव का एकदम तगड़ा आदमी होगा, जो मजबूत होगा, मजबूत का मतलब यह है आर्थिक और सामाजिक आधार पे आप इसको समझ सकते हैं, जो प्रजा को एक बार डांट देगी, भाई तुम कर क्यों नहीं दे रहे हो, तुम कर दो, तो प्रजा पर उसका प्रभाव पड़े। कुछ ऐसे लोगों का चयन राजा ने किया और उन्हीं को कह दिया क्या, सामंत। क्या कह दिया भाई? सामंत कह दिया। अब यहां समझिएगा,
सामंत शब्द का उदय कहां से हुआ आप लोग समझ पा रहे हैं यार? एकदम क्लियर इसको समझ लीजिए, मजा आ जाएगा आपको। सामंत क्या है? राजा और प्रजा के बीच, ये कौन है? राजा। और ये कौन है? प्रजा। राजा और प्रजा के बीच एक ऐसी कड़ी जो प्रजा से कर को लेगा और राजा तक पहुंचाएगा, इसी को कहा गया सामंत। क्लियर है? और ये जो प्रथा है यही है क्या? यही है सामंत। क्लियर है भाई? अब देखिए, इसका मतलब ये है कि जो खेत में खेती कर रहा है, याद रखिए वो खेती करने वाला जो किसान है वो जमीन उसकी नहीं है। जमीन पर अधिकार यूं तो पूर्णतया राजा का है, लेकिन कुछ समय के लिए राजा ने कर राजस्व के दृष्टिकोण से इस पर अधिकार किसको दे दिया है? उस सामंत को। तो यही मैंने यहां पर बताने का प्रयास किया है कि सामंतवाद क्या है। अब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। भूमि के बड़े हिस्से पर नियंत्रण करके उस पर कब्जा बनाना सामंतवाद कहलाता है। क्लियर है भाई? सामंतवादी परिवार काश्तकार को अपनी भूमि, काश्तकार मतलब किसान, किसान को अपनी भूमि पट्टे पर देकर लाभ प्राप्त करते हैं। यही जो हम लोगों ने बात की, काश्तकार सामान्यतः मतलब जो किसान था वो पारिश्रमिक श्रम के माध्यम से खेती बाड़ी करके अपने जीवन का गुजारा करते थे। अब ये ज्यादा दिन तो चलेगा नहीं ये सिस्टम, क्रिया का प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। तो इसके प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ आंदोलन भारत में होते हैं, हम लोग उसी को देखने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि सामंतवाद के विरोध में, इसका विरोध होना शुरू हुआ, सामंतवाद के विरोध में भारत की आजादी के बाद कुछ आंदोलन हुए जो निम्नलिखित हैं। पहला देखिए भूदान आंदोलन, दूसरा है नक्सलबाड़ी आंदोलन और तीसरा है बरगा आंदोलन। इनको अच्छे से समझ लेंगे, मुझे उम्मीद है कि यहां से मे भी आपके पेपर में प्रश्न बन जाए। आइए सबसे पहले बात करते हैं भूदान आंदोलन। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, बहुत कोई इसमें टेक्निकलिटी नहीं है, सामान्य सी बात हम लोगों को समझ में आ रही होगी। भूदान में दो शब्द है क्या? भू और दान। क्या है भाई? भू और दान। भू मतलब हम लोग जानते हैं, भू मतलब होता है जमीन, और दान मतलब होता है दान का, मतलब जमीन का दान कर, यही है भूदान। अब देखिए हुआ क्या कि एक गांधी जी के बहुत अनुयायी, मतलब परम अनुयायी कह सकते हैं, गांधी जी को बहुत मानते थे, उनका नाम है विनोबा भावे। तो विनोबा भावे जी ने इस मूवमेंट को शुरू किया। तो सबसे पहली बात ये कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया, अच्छा इसको एक बार पढ़ के सुना देता हूं। गांधी जी के न्यास स्वामित्व का सिद्धांत ट्रस्टीशिप, अभी आपको बताता हूं, ट्रस्टीशिप के आधार पर वर्ष 1951 में आंध्र प्रदेश के नालगोंडा, देखें यहां पर देखें, आंध्र प्रदेश के नालगोंडा नामक स्थान से विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया। देखिए यहां से तीन चार चीजें आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। पहला, भूदान आंदोलन कब शुरू किया गया? देखिए मेरे भाई सब लोग ध्यान दीजिए, तो भूदान आंदोलन शुरू किया गया वर्ष 1951, पहली बात ये। दूसरी बात, भूदान आंदोलन किस प्रदेश से शुरू किया गया? तो ये क्या थी? आंध्र प्रदेश। ये दूसरा प्रश्न हमने समझा। मान लीजिए स्पेसिफिक करके पूछ ले कि आंध्र प्रदेश के किस स्थान से भूदान आंदोलन शुरू किया गया, तो भी हम लोग उत्तर दे सकते हैं नालगोंडा। तो आंध्र प्रदेश के नालगोंडा नामक स्थान से वर्ष 1951 में विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन शुरू किया। अब इसमें क्या था? इसमें इन्होंने अपील किया। अब किससे अपील करेंगे? जो मतलब पहली बात तो सामंत जो होंगे उनसे अपील करेंगे, जमींदार कह सकते हैं आप इनको, जमींदारों से अपील करेंगे, या वे सभी बड़े किसान, बड़े किसान, देखिए किसान भी दो तरह के होते हैं, एक बड़े किसान एक छोटे किसान। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे सीमांत किसान, मध्यम सीमांत किसान, लघु सीमांत किसान, इस तरह से। तो यहाँ फिलहाल समझिए कि एक ऐसे किसान थे जिनके पास जमीन की मात्रा बहुत ज्यादा थी, और एक ऐसे किसान जिनके पास जमीन की मात्रा बहुत कम थी, और एक ऐसे भी थे जिनके पास जमीन ही नहीं थी, और भारत में सबसे बड़ी संख्या इन्हीं की थी। तो विनोबा भावे जी ने एक मूवमेंट शुरू किया और उन्होंने कहा कि भाई जितने लोगों के पास एक्सेस जमीन है, मतलब ट्रस्टीशिप का सिद्धांत ये कहता है कि उसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं सब उसके बराबर के भागीदार हो जाए, ये न देखा जाए कि ये संपत्ति किसकी है, ये संपत्ति किसकी, ये नहीं मायने रखता। जैसे मान लीजिए कि ये एक जमीन का टुकड़ा है और यहाँ पर 10 लोग काम कर रहे हैं, तो उसी जमीन को
काम करने वाले जितने भी लोग हैं 10 बराबर बराबर भागों में बांट दिया, ये मतलब बराबरी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहां से विनोबा भावे जी ने इसको शुरू किया था, बड़े पैमाने पर इन्होंने आंध्र प्रदेश के नालगोंडा से ये शुरू किया। लेकिन इसका बड़ा ड्रॉबैक सामने आया कि लोगों ने क्या किया कि जो जमीन विवादित थी, ज्यादातर इसका ड्रॉबैक यही रहा कि लोगों ने विवादित जमीन के जो बड़े बड़े हिस्से थे वो इसमें दान कर दिए, तो नाम भी अपना कर लिए और इसका कोई फायदा भी नहीं हुआ। दूसरा, बंजर जमीनें लोगों ने दान कर दी, तो मतलब बहुत बड़ा इसका कोई मतलब फायदा नहीं निकला, लेकिन इतिहास के पन्नों पर ये एक मुहिम जो थी वो तो महत्वपूर्ण थी ही। तो यहां से इन चीजों को आप जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड को देखते हैं। भूदान आंदोलन के बाद हम लोग देखते हैं नक्सलवाड़ी आंदोलन। देखिए, पहली चीज तो ये कि आपने सुना होगा नक्सलवाद, सुने हैं ना, तो जो नक्सलवाद है वो यही नक्सलवाड़ी आंदोलन की उपज से ही आया है। तो नक्सलवाद जो है ये यहीं से जनरेट हुआ। तो यहां देखिए, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से, कहां से शुरू हुआ भाई, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी तहसील, कौन सी तहसील थी, सिलीगुड़ी तहसील से वर्ष 1967 में, देखिए याद करिए मेरी बात, समझ लीजिएगा कि ये शुरू का जो वर्ष है, शुरू होने का वर्ष ये एकदम से आपको पता ही होना चाहिए। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए बता रहा हूं, जैसे अभी विभिन्न योजनाओं को मैं पढ़ाऊंगा उसमें डिटेल में बताऊंगा कौन सी योजना कब शुरू हुई, इसका उद्देश्य क्या था। आपको सबसे ज्यादा अगर कोई चीज याद रखनी है तो वो कौन से वर्ष में शुरू हुई, इसलिए कोई भी चीज जो बताएं जहां पर यार बता दे कि महत्वपूर्ण, उसको जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। मैं प्रयास करूंगा कि थोड़ा सा ट्रिक भी बनाऊं ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए, जो सरल है वहां ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं, बस इसको समझ लीजिए। वजह क्या थी, वही है सामंती शोषण के खिलाफ काश्तकारों का आंदोलन, मतलब सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ जो भी किसान थे उन्होंने विद्रोह कर दिया, और ये जो विद्रोह था इसको नाम दिया नक्सलवाड़ी विद्रोह, ठीक है, नक्सलवाड़ी आंदोलन। तो ये कब शुरू हुआ मेरे भाई, ये शुरू हुआ यार 1967, क्लियर। तो 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से ये शुरू हुआ, और ये जो मूवमेंट था ये पूर्णतया शुरू किया गया था सामंतों के खिलाफ, ठीक है। तो दो बातें आपको यहां से याद रखनी है कि शुरू कब हुआ और चलिए अगली स्लाइड पे आते हैं। आइए आगे बात कर लेते हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, बरगा आंदोलन की बात कर लेते हैं। तो वर्ष 1977 में, कब भाई, 1977 में पश्चिम बंगाल के बटाईदारों ने किसानों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1978 में सरकार बटाईदारों को जमीन का कानूनी मालिक बनाकर जमीन का पट्टा अधिकार दिया। अब इसको समझ लीजिए, पहली बार बरगा आंदोलन, यहां ध्यान से समझिए, पहला प्रश्न ये कि बरगा आंदोलन कहां से शुरू हुआ, तो ये पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ, पहली बात ये समझिए मेरे भाई। बरगा आंदोलन कहां से शुरू हुआ, पश्चिम बंगाल से। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, किस वर्ष शुरू हुआ, तो 1977। देखिए हमने तीन ही चीज की बात की, यहां एक बार जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। वर्ष 1951 में आंध्र प्रदेश के नालगोंडा से शुरू हुआ भूदान आंदोलन, उसके बाद वर्ष 1967 में असम के दार्जिलिंग जिले से शुरू हुआ आपका नक्सलवाड़ी आंदोलन, और वर्ष 1977 में पश्चिम बंगाल में एक मूवमेंट शुरू हुआ बरगा आंदोलन। अब देखिए यहां पर इतनी चीज समझ गए यार, अब देखिए आगे मैं बताने का यहां पर प्रयास ये कर रहा हूं कि एक शब्द आपको मिला बटाईदार, तो बटाईदार ने किसानों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अभी तक आपने क्या पढ़ा, किसानों ने सामंतों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, तो ये जो टर्म है बटाईदार ये क्या है, आइए इसी को समझ लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई खेत, और ये जो खेत है वो किसी ए व्यक्ति का है, ए व्यक्ति का ये खेत है, लेकिन अब ये भी तो किसान कहलाएगा क्योंकि जिसके पास जमीन है वो किसान है। तो ये जो ए किसान है ये इस खेत पर खेती करने नहीं जा रहा है, इसने बी व्यक्ति को काम में लगा दिया है इसी खेत में खेती करने के लिए। तो ए जो किसान है ये किसान कहलाएगा,
और ये जो बी है ये कहलाएगा बटाई दार। हालांकि खेती करने के बाद इसको भी कुछ हिस्सा मिलेगा, इसको भी एक बड़ा हिस्सा मिलेगा, लेकिन ये जो बी है ये बी कहलाएगा बटाई दार। आशा करता हूं कि आपने इस बात को अच्छे से उदाहरण को समझ लिया होगा। तो जिस तरह से किसानों का शोषण सामंतों ने किया था, वैसे ही यहां पर बटाईदारों का शोषण हुआ किसानों के द्वारा, और इसके परिणाम स्वरूप आप देख रहे हैं कि 1977 में पश्चिम बंगाल में जो भी बटाईदार थे उन्होंने विद्रोह कर दिया किसानों के खिलाफ, क्योंकि उनका शोषण हो रहा था। और इस तरह आगे जाके वर्ष 1978 में ही वहां की सरकार ने बटाईदारों को पट्टा का अधिकार दे दिया और वो जमीन सभी के लिए उनका अधिकार सुनिश्चित कर दिया। ठीक है, तो ये रही बात, ये हमने आंदोलन देखा। अब आगे आते हैं, कुछ और बातें हम लोग कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले यहां पर मैं हम लोग अगर बात करें कि अंग्रेजों के समय बात ये करते हैं कि अंग्रेजों के समय, चलिए यहीं पर देख लेते हैं कि क्या क्या अंग्रेजों की पॉलिसीज थी। ठीक है, मतलब जो भू राजस्व नीतियां थी अंग्रेजों के समय वो क्या क्या थी, उस पे हम लोग उस पे बात कर लेते हैं। तो एक मिनट, अब जैसे कुछ अंग्रेजों की जो भू राजस्व नीतियां थी, अंग्रेजों की भू राजस्व, ये इसी क्लास में जानबूझ के पढ़ा दे रहा हूं क्योंकि जब भी ये तय है यार, समझ लीजिएगा, तो जब हिस्ट्री की क्लास चलेगी तो रिवीजन हो जाएगा, लेकिन यहां पर इसलिए बता रहा हूं कि बेहद जरूरी चीज है। जैसे सबसे पहले आप लोग पढ़ते हैं जमींदारी व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था है यार, जमींदारी व्यवस्था, इसी को आप लोग जानते हैं, इसी को क्या कहते हैं, स्थाई बंदोबस्त। ठीक है, स्थाई बंदोबस्त। अब देखिए नाम से ही आपको इसमें समझ में आ रहा होगा जमींदारी व्यवस्था क्या है, कि जैसे यहां पर हैं अंग्रेज और यहां पर हैं किसान, ये कौन है, ये ब्रिटिशर्स हैं और ये हमारे फार्मर्स। ठीक है, तो वही चीज जैसे मैंने भी समझाया कि अंग्रेजों को चाहिए भू राजस्व, तो भू राजस्व देगा कौन, भू राजस्व देंगे भारतीय किसान, और प्राप्त कौन करेगा, अंग्रेज। लेकिन क्या अंग्रेज एक एक व्यक्ति के घर में जाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो अंग्रेजों ने यहीं पर एक मीडिएटर का उदय कर दिया और इसी को अंग्रेजों ने कह दिया क्या, जमींदार। तो जमींदारों को भू स्वामी बना दिया अंग्रेजों ने, और जमींदार की जिम्मेदारी ये होगी कि ये भारतीय किसान से कर लेगा और ले जाकर अंग्रेजों को कर देगा। क्लियर है इतनी बात। यहां पर याद रखिए कि जमींदारी व्यवस्था वर्ष 1793 में प्रारंभ की गई, पहली बात ये बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको जरूर नोट डाउन आप कर लीजिएगा, पेपर में आपके पूछे जाने की संभावना इसकी प्रबल है। तो वर्ष 1793 में जमींदारी व्यवस्था को शुरू किया गया। इसमें सबसे पहले एक कानून लाया गया जिसको कहते थे सूर्यास्त कानून। क्या कहते हैं भाई, सूर्यास्त कानून। तो आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे आपसे बोल सकता है कि निम्न में से कौन सी व्यवस्था के अंतर्गत सूर्यास्त कानून को लाया गया, तो उसको आप लोग जानते रहे कि ये जो आपकी जमींदारी व्यवस्था है इसी के अंतर्गत सूर्यास्त कानून लाया गया। इसमें था क्या कि जैसे मान लीजिए कि किसान को 1/6 जो रेवेन्यू है वो देना है अंग्रेज को, और अंग्रेज को ये कर राजस्व पहुंचाएगा अंग्रेज तक कौन, वो पहुंचाएगा नो डाउट कि जमींदार। कौन पहुंचाएगा यार, जमींदार। अब अगर शाम तक, मतलब आज की डेट है, मान लीजिए आज है 2 जुलाई, ठीक है, अब मान लीजिए कि 2 जुलाई को अंग्रेजों ने तय किया है ये जो जमींदार है ये इस गांव का जो कर राजस्व है वो ले आकर देगा, लेकिन अगर जमींदार इस आज 2 जुलाई की शाम तक अगर उस गांव का पूरा कर लिया कर नहीं पहुंचा देगा अंग्रेज को, तो अंग्रेज उसकी जो जमींदारी वो उस गांव से क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे और एक नए जमींदार का उदय हो जाएगा।
दूसरे जमींदार को वो जमींदारी दे देंगे। इसी को कहते हैं सूर्यास्त कानून। इसका मतलब ये प्रभाव आप ये समझ पा रहे होंगे कि अंग्रेजों को कर राजस्व मिलना चाहिए, वो भी निश्चित समय के अंदर। ये है सूर्यास्त कानून का मतलब। ठीक है, तो देखिए अगली बात समझ लेते हैं कि इसको शुरू किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, दिख रहा है यार। तो इसको शुरू किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया। अगली बात, इसमें ये पूरे भारत के 19% भूभाग पर लागू थी। कितने प्रतिशत भूभाग पर? 19% भूभाग पर लागू थी। देखिए यहां से जितने पॉइंट यहां पर आपको बताए जा रहे हैं, यही सब पॉइंट। अच्छा यार, ये सॉरी पेन आपकी बदल गई। तो हम लोग ये देख रहे थे कि जमींदारी व्यवस्था, इसी को अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं, और ये वर्ष 1793 में प्रारंभ हुई जमींदारी व्यवस्था। इसी के अंतर्गत सूर्यास्त कानून लाया गया। कौन सा कानून? सूर्यास्त कानून लाया गया। सूर्यास्त कानून मैंने बता दिया। किसने शुरू किया जमींदारी व्यवस्था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया। ये भारत के 19% भूभाग पर लागू थी, ये हमने समझ लिया। ठीक है, भारत के किन किन क्षेत्रफलों पर लागू थी? तो याद रखेंगे बंगाल, इसको लिखते चलिएगा, बिहार, उड़ीसा, बनारस, ठीक है, इन क्षेत्रों पर ये व्यवस्था लागू थी। एक चीज और समझ लेते हैं, इसमें जो कर का वितरण था, तो याद रखिए 10/11 और 1/11 इस रूप में था। इसको समझ लीजिए यार, मतलब जो टोटल कर आएगा, मतलब कर के अगर कर का पूरा हिस्सा कितना है? 11। तो दसवां भाग जो है 11 में से जो 10/11 भाग है वो जाएगा अंग्रेजों के पास। किसके पास जाएगा? ब्रिटिशर्स के पास, अंग्रेजों के पास। और जो 1/11 हिस्सा है वो किसके पास जाएगा? वो जाएगा जमींदार के पास। ठीक है, तो स्पष्ट है ये बात। तो जितने पॉइंट आपको यहां पर बताए गए हैं उसको बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा। इसको अब हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, आइए अब बात करते हैं हम लोग। अब देखिए जमींदारी व्यवस्था के बाद हम लोग देख लेते हैं किसको? रैयत, रैयतवाड़ी व्यवस्था। जल्दी से इसको समझ लेते हैं। देखिए जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है ये वर्ष 1792 में शुरू हुई, 1792 में ये शुरू हुआ। और देखिए यहां पर र है तो यहीं से कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो, तो किसने इसको प्रतिपादित किया? कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो। याद ऐसे रखिएगा र और र, यहां समझ लीजिए। और ये क्या है? र। जैसे आपसे पूछ ले कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, तो कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो। सबसे पहले इन्होंने इसको शुरू किया मद्रास के 12 महल जिले में। मद्रास आप जानते हैं जो आज का तमिलनाडु है, चेन्नई है। तो मद्रास के 12 महल में इसको प्रायोगिक तौर पर इन्होंने शुरू किया। और फिर उसके बाद मद्रास, बॉम्बे, असम, ठीक है, इत्यादि जगहों पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को इन्होंने चलाया। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये पूरे भारत के 51% भूभाग पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। तो पूरे भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर? 51% भूभाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी, ये आप याद रखेंगे। इसका एक सबसे बड़ा फायदा यह था कि इसमें रैयत का मतलब आप लोग समझते हैं, रैयत मतलब होता है किसान। इसमें किसान जो है प्रत्यक्ष तौर पर अंग्रेजों को कर देगा। तो अंग्रेजों ने यहां पर यह व्यवस्था बनाई कि भाई जो न तो फायदा ज्यादा अंग्रेजों को हो रहा था न किसानों को हो रहा था, इसमें सबसे मजबूत हो रहे थे सामंत, जमींदार सबसे ज्यादा मजबूत हो रहे थे। तो उनको रोकने के लिए अंग्रेजों ने प्रायोगिक तौर पर ये रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी। ठीक है, तो ये यहां से देखिए जितने पॉइंट आपको ये बताया जा रहा है, बस यही पॉइंट आप अच्छे से नोट डाउन करके 2-4 बार रिविजन कर लीजिएगा। अगर प्रश्न बनेगा तो बस इसी में से आएगा।
आप अभी भी स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर रैयत वाड़ी व्यवस्था पूछेगा तो जितने पॉइंट बताए गए हैं इसी में से कोई ना कोई प्रश्न आपके पेपर में पूछ लिया जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगली जो व्यवस्था है इसको भी देख लेते हैं, ये है महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। वर्ष 1822 में महालवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया, पहली बात ये, ठीक है। ये जो है ये व्यवस्था पूरे भारत के 30% भूभाग पर लागू की गई थी। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है। तीसरी बात, इसके जनक कौन थे? लॉर्ड मैकेंजी। कौन थे भाई? मैकेंजी। इसके जनक कौन थे? मैकेंजी। अब देखिए, देखिए पकड़ना बहुत आसान, यहां देखिए महालवाड़ी, यहां देखिए मैकेंजी। अब देखिए तीनों व्यवस्था जल्दी से एक बार रिवाइज कर लिए। जमींदारी व्यवस्था कार्नवालिस, जेके ऐसे याद करिए, जे के बाद क्या आता है के, देखिए रिलेट हो रहा है, कभी जीवन में नहीं भूलेगा आप। इधर देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था कर्नल रीड और थॉमस मुनरो, दोनों में आर आर आर, ठीक है, ट्रिपल आर, ये देखिए कॉम्बिनेशन बन गया आर 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 का, ऐसे याद रखिएगा जैसे बता रहा हूं। और ये है महालवाड़ी व्यवस्था मैकेंजी, कभी नहीं भूलेगा आप। ये क्या है? 1793 वर्ष जरूर याद रख लीजिएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट ईयर आपको याद होना चाहिए। ये है 1792 और ये है 1822, ठीक। ये चीज हमने देखा। ये भारत के कितने परसेंट भूभाग पर लागू थी, याद करिए जल्दी से, 19%, क्लियर है। ये कितने परसेंट? 51% और ये 30%, स्पष्ट है ये बात। ये जो व्यवस्था है ये आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपका असम, कूर्ग जिला, असम का कौन सा, कूर्ग जिले इत्यादि जगहों पर ये लागू किया गया। ऐसे आपसे प्रश्न पूछ लिया। अच्छा, महाल का मतलब क्या होता है? महाल का मतलब याद रखिएगा मुखिया। महाल का मतलब क्या है? मुखिया। इसका मतलब ये है, जैसे आज प्रधान का जो कॉन्सेप्ट है वही यहाँ पर है, कि गांव में एक व्यक्ति जो गांव का मुखिया होगा उसी के पास अंग्रेज आएंगे और उससे सीधे कर ले जाएंगे, और बदले में क्या होगा, मतलब ये जो मुखिया है ये गांव के सभी लोगों से क्या करेगा, कर लेगा और फिर अपने पास रखेगा और फिर ये ले जाके अंग्रेज इससे कर प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से अंग्रेजों की ये व्यवस्था थी। वीडियो मतलब थोड़ा सा शायद लंबा हो गया होगा, प्रयास करूंगा कि वीडियो छोटा ही छोटा रखा जाए। अंतिम प्रयास यही है कि आपको सारी बातें समझ में आए। जितना अच्छे से इसको समझेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने सारे लेक्चर्स अच्छे से समझ लिए तो पूर्णतया मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपका पेपर 100% सॉलिड होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम जल्द ही कल फिर आपके पास वीडियो की सीरीज पहुंचती जाएगी। बस आपको नोट्स बनाना है, अच्छे से तैयारी करते रहना है, तो कि आपका जो चयन है वो सुनिश्चित हो सके, इसी के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, लगे हुए हैं। चलिए शुभ रात्रि, कल फिर मुलाकात होती है। धन्यवाद।